हेलो आप मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मास्टर हम इसके अंदर देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है उनके अंदर कौन सी स्किल्स होना चाहिए क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फाइनेंशियल मैनेजर की और क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं

और इंश्योर करता है कि जो अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कैश फ्लो सही तरीके से चलता रहे लिक्विडिटी सही तरीके से मेंटेन रहे बजटिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग उन सारी चीजों को मेंटेन करना फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट्स को बनाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितने बजट में गोल्स को अचीव किया है मतलब पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करना फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना उसकी अकाउंटिंग करना मेंटेन करना सारे काम फाइनेंशियल मैनेजर करता है मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा है उसका जो मैनेजमेंट करता है वो पर्सन होता है फाइनेंशियल मैनेजर नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या स्किल्स होनी चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर के लिए तो इसके अंदर कुछ हार्ड स्किल और कुछ सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर तो हार्ड स्किल में आता है फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि वो क्वालिटेटिव तरीके से फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सके कि, कि किस चीज को करने में कितनी रिस्क है वो उसको पहचान सकते हैं नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल मैनेजर हो उसकी अकाउंटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल डेटा को समझ सकता है रिपोर्ट को समझ सकता है तो उसको पता चलेगा कि फाइनेंस से क्या रिजल्ट आए हैं आईटी स्किल्स होना चाहिए उसको टेक्निकली अच्छा होना चाहिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर का वो यूज़ कर सके डेटा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके ताकि वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से अकाउंटिंग और फाइनेंस को मेज़र कर सकता है देख सकता है रिपोर्टिंग फाइनेंशियल मैनेजर है वो रिपोर्ट को बनाता है अगर आपके बिजनेस को टैक्स को भरना है तो टैक्स की गाइडलाइंस को वो पूरा करता है तो उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर ही रिपोर्ट बनाएगा कुछ सॉफ्टवेयर स्किल भी होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर जैसे कि कम्युनिकेशन फाइनेंशियल मैनेजर एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए कि जो भी उसने फाइनेंशियल डेटा या रिपोर्ट्स में देखा है वो सबको बता सके अच्छी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए ये जो प्रोफेशनल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए वो वेल well इन्फॉर्म्ड होते हैं ऑब्जर्व होते हैं कैपेबल होते हैं कि उनका जो जजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए चीज़, हर चीज़ों को वो लॉजिकली सोच के ऑब्जर्व करके फिर रिस्पॉन्स करते हैं नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो बहुत हाई प्रेशर में होता है क्योंकि उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो टाइम को मैनेज करके चले टाइम को शेड्यूल करके चले ताकि वो सारे काम को टाइम पे कंप्लीट कर सके नेक्स्ट आता है कोलोब्रेशन ये जो मैनेजर होता है वो बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करता है सारी टीम को एक साथ लेके चलता है तो आपका सबके साथ कोलोब्रेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप ही सबको पैसे देंगे बजट डिसाइड करेंगे तभी सारी टीम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकती है तो आपको सबके साथ कोलोबरेट करना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर होनी चाहिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है या बोला जाए तो फाइनेंशियल मैनेजर की क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती है तो फर्स्ट आता है ये समझता है कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को और कैसे आप फाइनेंशियल मार्केट के साथ काम कर सकते हैं आपकी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंस को मैनेज करके चलेंगे सेकेंड आता है मॉनिटरिंग एंड एनालाइज द कैश फ्लो एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड ये कैश फ्लो को मॉनिटर करता है उसको एनालाइज करता है और जानता है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाले उसकी फोरकास्टिंग करता है पहले से नेक्स्ट आता है एनालिसिस कंपटीशन एंड मार्केट ट्रेंड एंड डिपेंड ऑन द रिजल्ट क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट ये कंपटीशन को एनालाइज करता है कि मार्केट में कितना कंपटीशन प्रेजेंट है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और उसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना सकते हैं नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स दैट हेल्प मिनिमाइज फाइनेंशियल रिस्क आप इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स को डिजाइन करते हैं कि आपको है से कितना फाइनेंस लेना है और देखना है कि आप वहां से फाइनेंस लें जिसमें की कम रिस्क हो और आपको ज्यादा रिटर्न मिले मतलब कि आप ऐसे टूल्स का यूज ना करें जिसमें की हाई रिस्क हो नेक्स्ट आता है ये आपको बजट को बनाने में और स्पेसिफिक लिमिट तक उसको सेट करने में हेल्प करता है कि आपका कितना बजट है और किस लिमिट तक आप उसका यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आता है ये रिसर्च करता है कि कौन से फैक्टर्स है जो की आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं अफेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी को बनाता है ताकि आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स को आप अचीव कर सके ये नए सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को अरेंज करता है अप टू डेट रहता है कि फाइनेंशियल लॉस और लेजिस्लेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फाइनेंशियल मैनेजर की नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या रोल्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के मतलब कौन से रोल्स फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता है तो फर्स्ट आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सेकेंड है रिपोर्टिंग थर्ड है रिसीवल्स एंड पेबल्स Fourth investment opportunity. Fifth risk. Sixth budgeting and forecasting. Seventh month and activity. Eighth taxation and statutory. नाइन्थ है क्रेडिट कंट्रोल एंड पेबल्स मैनेजमेंट और टेंथ है ट्रेजर्स इनको डिटेल में देखते हैं फर्स्ट आता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका रोल होता है बुककीपिंग और अकाउंटिंग को रखना वो आइडेंटिफाई करता है कि कैसे आप फाइनेंस रिलेटेड डिटेल्स को रिकॉर्ड करेंगे कैसे उसको मेजर करेंगे क्या कंपनी के पास फंड आया है गया है मतलब क्या डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट हुआ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको अच्छी तरीके से अकाउंटिंग के सिस्टम को चलाता है बुक के ट्रांजेक्शन को कि क्या कंपनी के से पैसा आ रहा है जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखता है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के वो डिपेंड करते हैं कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा था उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं कि उनको उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आपको रेगुलरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपने शेयर होल्डर्स को बतानी होगी तभी वो डिसाइड करेंगे कि वो आपके स्टॉक्स को शेयर्स को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे तो फाइनेंशियल डेटा में आपकी एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट आता है रिसिबल्स एंड पेबल्स आप मैनेज करते हैं कि कम कंपनी के अंदर कौन से आपके वेंडर्स हैं क्या चीजें आपकी कंपनी के लिए जरूरी है आपके पास क्लियर व्यू होना चाहिए कि कितना कैश आपकी कंपनी के पास प्रेजेंट है मतलब कितने आपके रिसीवेबल्स हैं और पेबल्स हैं कितने आपके क्रेडिटर्स हैं और कितने डेबिटर्स हैं मतलब किन लोगों से आपको कितना पैसा लेना है और किन को कितना रिटर्न करना है नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप सही स्टॉक में सही टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटस देखने के बाद ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से उसकी उसकी लिवरेजिंग करता करता है है सही तरीके से ओपनिंग कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को देखता है नेक्स्ट आता है रिस्क एक अच्छा मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है अपनी रिस्क और लाइबिलिटीज को कम करना है आपकी फाइनेंशियल टीम अच्छी होनी चाहिए जो कि सही तरीके से रिस्क को मैनेज कर सके मतलब रिस्क को कम कर सके और प्रॉफिट को बढ़ा सके नेक्स्ट आता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन को रिवीजन को फोरकास्टिंग वेरिएशन एनालिसिस करता है स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है तो ये सारी एक्टिविटी आप करते हैं ताकि आपको पता चले बजटिंग कैसी है आपकी और आप फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में और स्ट्रांगली कोऑर्डिनेट करते हैं सबके साथ में और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए कि आप सब लोगों को कम्युनिकेट कर सकते के उन एक्टिविटीज के बारे में कि सबको क्या करना है नेक्स्ट आता है मंथ एंड एक्टिविटीज इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहता है कि जब आपका मंथ एंड हो रहा है तब आपको इन एक्टिविटीज को करना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को बनाना है तो फाइनेंशियल मैनेजर इन सारी चीजों को बनाता है फाइनल प्रोविजन रिकन्सिलेशन अकाउंट कोऑर्डिनेट करता है ब्रांचेस के साथ में सब्सिडरीज और पेरेंट कंपनीज के साथ में कि उस मंथ के क्लोजर के बारे में उसको पता चले

और क्या कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज लीगल चीजें जो कि आपको पे करनी थी कुछ रिटर्न फाइल करना था उन सब का असेसमेंट करता है उनको हैंडल करता है मीटिंग्स में और कंसर्न करता है और तो फाइनेंशियल मैनेजर इन सारी चीजों को हैंडल करेगा मीटिंग्स को अटेंड करेगा कुछ भी इशूज आ रहे हैं टैक्स को लेके तो ऑडिटर के साथ कंसल्ट करता है तो आपके टैक्सेशन को पूरी तरीके से फिल करना रिटर्न को देखना वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है नेक्स्ट आता है क्रेडिट कंट्रोल एंड पेबल्स मैनेजमेंट मॉनिटर करता है कि कि क्या आपके ड्यूज है मतलब क्या आपको पेमेंट करना बाकी है कौन से डेबर्स है मतलब किन से आपको पैसा लेना है उनकी रिपोर्ट्स को भी बनाता है क्या बेड डेप्ट के प्रोविजन है मतलब जो पैसा आपका डूब गया है उसके लिए आपने क्या प्रोविजन बना रखे है उनको भी मेंटेन करता है अच्छे रिलेशन को भी बनाता है और ये इंश्योर करता है की आप सारी चीजों को टाइमली पे करें वेंडर्स को मतलब जिनसे भी आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं मटेरियल लिया है आप उनको टाइमली पेमेंट करें ताकि उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो वो बैंक और फंडिंग एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है नेक्स्ट आता है ट्रेजर्स फाइनेंशियल मैनेजर का रोल होता है कि कितना फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ तो ये रिस्पांसिबल होता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट को ये हैंडल करेगा कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो गया है कैश फ्लो की फोरकास्टिंग करना लोन्स को अरेंज करना डे टू डे बेसिस पे लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को देखना ऑर्गेनाइजेशन की तो वो सारा काम फाइनेंशियल मैनेजर करता है तो कुछ रोल्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के फर्स्ट आते हैं जो बिजनेस की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए जिससे कि आपकी जो जरूरतें हैं या बिजनेस का जो काम है सही तरीके से चल सके तो उसके लिए आप फंड कहाँ से लेके आएंगे कितना इक्विटी और कितना डेप्ट होगा इक्विटी मतलब कितने आप शेयर इश्यू करेंगे और डेप्ट मतलब की कि कितना आप लोन लेंगे तो ये फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो डिसाइड करता है कि क्या डेप्ट इक्विटी का रेशियो होगा और उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए ताकि आपकी रिस्क भी कम हो नेक्स्ट आता है एलोकेशन ऑफ फंड जब आपके पास फंड आ गया डिफरेंट चैनल से फिर आता है कि आप उसको कैसे अलोकेट करेंगे मतलब किस चीज के लिए आप कितना फंड यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको देखना है कि आपकी फर्म का क्या साइज है कितनी ग्रोथ की कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप फंड को यूज करेंगे आपकी एसेट्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या स्टेटस है मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स को बना ले शॉर्ट टर्म कम हो या शॉर्ट टर्म को बढ़ा ले लॉन्ग टर्म कम हो तो आपको उन दोनों के बीच में भी बेटे स करना है और आपको देखना की कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप फंड को रेस करेंगे फिर आता है प्रॉफिट प्लानिंग किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न हो ताकि वो सर्वाइव कर सके लंबे समय तक उसकी ग्रोथ हो सके तो प्रॉपर यूज करना अपने फंड का ताकि प्रॉफिट हो और प्रॉफिट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा आपका प्राइसिंग इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिशन है इकोनॉमी का क्या स्टेटस है डिमांड सप्लाई कैसी है कॉस्ट आउटपुट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट जो कंपनी का शेयर है वो ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट के अंदर तो कंटिन्यूअसली परचेस और सेल करना सिक्योरिटीज का जिससे आपको समझ मिलेगी कैपिटल मार्केट के बारे में जब भी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहती है तो फाइनेंशियल मैनेजर को उसको समझना है रिस्क को कैलकुलेट करना है शेयर्स और डिवेंचर्स की ट्रेडिंग को लेके तो ये कुछ मेन फंक्शंस होते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है उसकी क्या स्किल्स रोल्स स्पॉसिबिलिटी और क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू